वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह प्रियदर्शन साहब ने अपनी फिल्म गर्दिश में अनिल कपूर की जगह जैकी श्रॉफ ली। प्रियदर्शन साहब गर्दिश फिल्म को अनिल कपूर के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम आई तो उन्होंने जैकी श्रॉफ को लेकर ये फिल्म बनाई। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह यश चोपड़ा ने गर्दिश अमिताभ बच्चन के कारण बंद करनी पड़ी उन्हें, क्योंकि ये वो जमाना था जब अमिताभ बच्चन को महानायक नहीं कहा जाता था बल्कि महा फ्लॉप नायक कहा जाता था। अमिताभ बच्चन फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्में दे रहे थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया था महा फ्लॉप नायक। जंजीर के पहले की बात बता रहा हूं मैं। यश चोपड़ा साहब ने अमिताभ बच्चन को लेकर एक फिल्म शुरू करी, उस फिल्म का नाम था गर्दिश। और अमिताभ बच्चन के साथ दो हीरोइनें थी, उसमें से एक थी नीतू सिंह और दूसरी हीरोइन थी परवीन बॉबी। जैसे ही ये फिल्म अनाउंस हुई, डिस्ट्रीब्यूटरों को पता चला, फाइनेंसरों को पता चला यश चोपड़ा के, तब या फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटरों ने अपने हाथ इस फिल्म से खींच लिए। उन्होंने कहा यश चोपड़ा फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर ने कि अगर आप अमिताभ जैसे फ्लॉप एक्टर को लेकर फिल्म बनाएंगे तो हम इस फिल्म से नहीं जुड़ेंगे, हम पैसा देंगे ना हम फिल्म को खरीद। यश चोपड़ा जी परेशान है। हालांकि यश चोपड़ा जी उस समय अमिताभ बच्चन के टैलेंट को अच्छी तरह पहचान गए, तो जान गए थे कि ये बहुत बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है, बस एक हिट की जरूरत है। लेकिन यश चोपड़ा की बात किसी ने नहीं सुनी और सब ने, फाइनेंसरों ने, डिस्ट्रीब्यूटरों ने और उनके आसपास के लोगों ने ये कहा कि ये फिल्म बंद कर दो या हीरो चेंज, अमिताभ बच्चन की जगह गर्दिश में किसी और को ले लो तो हम फिल्म खरीद लेंगे, तो हम पैसा भी लगा देंगे, लेकिन अगर आपने अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म बनाई तो हम ये फिल्म नहीं खरीदेंगे, नहीं कर सकते। यश चोपड़ा भी सबके दबाव में आ गए और उन्होंने गर्दिश फिल्म जो अमिताभ बच्चन को लेकर बनाना चाहते थे फिल्म बंद कर। तो इस तरह अमिताभ बच्चन के कारण उनकी फिल्म गर्दिश बंद। उसके कुछ दिनों बाद, ये 73 के आसपास की बात है, उसके कुछ दिनों बाद जंजीर पिक्चर रिलीज हिट हुई, सुपर हिट हुई और अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बने। गर्दिश फिल्म बंद होते ही अमिताभ बच्चन को एक झटका लगा। उससे पहले भी कई झटके लग चुके थे क्योंकि कई निर्माता निर्देशकों ने अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्म से निकाल दिया या फिल्मी बंद कर दिया। अमिताभ बच्चन के लिए गर्दिश बंद होना एक और झटका था। यश चोपड़ा चाहते थे गर्दिश बनाना लेकिन मजबूरी में वो नहीं बना पा। लेकिन जब जंजीर हिट हो गई तो सबको झटका, अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा को भी झटका नहीं लगा, क्योंकि शायद अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा तो जानते थे कि अमिताभ बच्चन हिट होने वाले हैं, लेकिन जो उनके फाइनेंसर थे, उनके डिस्ट्रीब्यूटर थे या उनके कुछ चाहने वाले थे जिन्होंने गर्दिश बंद करवाई थी, उन सबको झटका लगा कि ये क्या, इसे हम फ्लॉप हीरो कहते थे, इसे हम फ्लॉप महानायक कहते थे, ये तो महानायक बन गया। तो इस तरह गर्दिश बंद हो गई लेकिन अमिताभ बच्चन हिट हो गए। अगर ये फिल्म बनती गर्दिश, यश चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, परवीन बॉबी, तो इसका पोस्टर कुछ इस तरह होगा। लेकिन ये फिल्म नहीं बनी। अगर ये फिल्म बन जाती दोस्तों, गर्दिश, यश चोपड़ा की, जिसमें अमिताभ बच्चन होती, नीतू सिंह होती, परवीन बॉबी, और उसका पोस्टर आपको रोड पर दिखाई देता, तो आप उस जमाने में अगर थे तो क्या इस फिल्म को देखने जाते? और अगर आप उस जमाने के बाद पैदा हुए और आज आपको ऐसी कोई फिल्म के बारे में पता चले जिसमें अमिताभ बच्चन, परवीन बॉबी, नीतू सिंह और फिल्म का नाम गर्दिश हो, तो क्या आप यूट्यूब पे या कहीं और उस फिल्म को देखेंगे या नहीं देखेंगे? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। और हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हमारे पास पहुँचे तो हम आपके साथ शेयर करें। अगर आप उन किस्सों कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।